नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ काफी अलग अलग प्रकार के मानसिक रुग्ण आते हैं और वो अच्छा होने के बाद में फिर अपनी राय, उनका उपचार कैसे हुआ इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। लोगों को इससे फायदा होना चाहिए इसलिए वो शेयर करते, तो उनके बारे में हम कुछ जान लेंगे। कुछ केस स्टडीज मैं आपके सामने दे रहा हूँ, तो आप देखिए। और इस तरह के पेशेंट भी अच्छे हो सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम जो है वो अच्छे हो सकती है, वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो यह वीडियो देख के लोगों को शेयर करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील खराटे। आज अपन देखेंगे स्किजोफ्रेनिया क्या होता है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि ये जो बीमारी है, मानसिकता बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है, अलग अलग से ख्याल आते हैं और पेशेंट को ये पता नहीं रहता कि ये बीमारी है। बहुत से लोग हमारे यहाँ पे जो देहात के आते हैं, देहात के ही छोड़ो, अच्छे खासे पढ़े लिखे अगर होते हैं, पढ़े लिखे पेशेंट आते हैं, उनको भी ये पता नहीं रहता कि ये बीमारी है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। फिजिकली अगर पेशेंट को देखा तो फिजिकली पेशेंट एकदम फिट दिखता है, खाना पीना अच्छा रहता है, काम धंधे चलते हैं, लेकिन बीच बीच में उनको हैलुसिनेशंस होते हैं और वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कोई पेशेंट को ऐसा लगता है मुझे कोई मारने आ रहा है, कोई पेशेंट को ऐसा लगता है मुझे कोई मैनेज कर रहा है, मेरी जो गतिविधि है हर दिन के, मेरा जो कार्यक्रम है वो कोई दूसरा मैनेज कर रहा है ऐसा उनको लगता है। किसी को ऐसा लगता है कि मेरी जो एक्टिविटी है, ये जो महाराज बैठे हुए एक, वो महाराज लोग कर रहे हैं। किसी को ऐसा लगता है भगवान है, भगवान मेरे को सब मैनेज करता है, भगवान की आवाज़ें मुझे आती है और उनके कानों में आवाज़ आती है, उनको रियलाइज होता है कि मुझे आवाज़ आ रही है, भगवान मेरे से बात कर रहे हैं और भगवान जो बोलते हैं, साधु बाबा जो बोलते हैं वही मैं करता हूँ, वो मुझसे करवा लेते हैं। तो ऐसा अगर रहा तो जीवन उसका जो है, हर दिन का जो जीना है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, पेशेंट को पता नहीं चलता, लेकिन घर वालों को ये चीज़ें जो है वो बारकाई से अगर देखे, नज़दीकी से अगर देखे तो उनके ख्याल में आ जाता है कि अगर ड्यूटी करने वाला आदमी है, ड्यूटी में उसका मन नहीं लग रहा है, ड्यूटी छोड़ के बीच में ही घर पे आता है, कुछ कुछ बातें होने लगती है, अजीब सी बातें होने लगती है, ऑफिस से फोन आते हैं कि आपके लड़के का मन नहीं है ड्यूटी में। ऐसी जब बातें घटने लगती है तब घर वालों को यह लगता है कि कुछ तो अलग हुआ है। ऐसे ही एक पेशेंट मेरे साथ में अभी बैठे हैं, ये MP से आए हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, MCA इन्होंने किया है, सैलरी अच्छी है, सब बातें अच्छी है, शादी हो चुकी है, लेकिन मेंटल इलनेस ने घर में प्रवेश कर लिया और थोड़ा सा कहीं तो भी डिस्टर्ब हुआ माइंड, उसकी वजह से फिर धीरे 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 बढ़ने लग गया और बाद में इनको लगा कि मुझे किसी ने हिप्नोटाइज किया है, इनकी हिस्ट्री मैंने लिया है। जब ये मेरे पास में आए मैं इनको समझा रहा था कि भाई ऐसा रहता नहीं है, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं थे। नहीं 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 बोले, ऐसा नहीं, मैं तो बहुत जगहों पे जाके आया हूँ लेकिन मुझे सही में किसी ने हिप्नोटाइज किया है। इनकी मम्मी साथ में थी और मैंने जब इनको विश्वास दिलाया कि आपका जो भी हिप्नोटाइज जिसने किया है वो मैं निकालने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको 100% अच्छा करूँगा, तब ये मान गए और भर्ती हो गए। अभी इतने खुश है कि उन्हीं की जबान से अपन सुनते हैं कि उनको पहले कैसा लगता था और अभी कैसा लगता है। तो आइए अपन पेशेंट के साथ में बात करते हैं। तो चलो अपन पेशेंट देखते हैं, पेशेंट के खुद के जबान से सुनिए कि उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना खुश है वो जाते समय। अभी ये 22 तारीख को आए थे हमारे यहाँ पे, इनका इलाज हुआ एकदम से अच्छे से, माँ बेटे दोनों भी खुश है, अपन उनसे बात करते हैं। नमस्कार। कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब मैं आया था तो मैं बिल्कुल परेशान था, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को किसी ने कुछ किया हुआ है। अच्छा। लेकिन जब से खराटे जी के सानिध्य में आया हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। अपने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिला। अच्छा। और उन्होंने जो भी गाइडेंस मुझे दिया मैं उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं काम करता गया। मुझे इस समय मेरा मन बहुत प्रसन्न है। अच्छा। जितनी तारीफ कर सकूं उतनी कम है। यहाँ का स्टाफ इतना हेल्पफुल है, आप कभी ये लगेगा ही नहीं आप किसी अस्पताल में, आपको एक घर जैसा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है। अच्छा। और यहाँ का ट्रीटमेंट से मैं इतना संतुष्ट हूँ
मैं लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, अगर उन्हों भी किसी तरह का कोई परेशानी है या उनके मन मन नहीं लगता किसी काम में, हॉस्पिटल में एक बार जरूर आए, उनको सेवा का मौका अवश्य दें। अच्छा, ड्यूटी कहाँ पे करते थे आप? मैं नई दिल्ली में करता हूँ। नई दिल्ली में सैलरी अच्छी खासी होगी? हाँ, सैलरी मेरी ठीक ठाक है। अच्छा, और ये जब बीमारी आई आपको तो क्या सिम्टम्स क्या थे शुरुआत में, क्या लगा? ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने हिप्नोटाइज किया हुआ है, कोई हिप्नोटाइज किया करके बैठा हुआ है, कोई आपका मन पकड़ के बैठा है, कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा महसूस होता था। मैंने फिर वीडियो में केलकर साहब का नाम देखा, मैंने कॉन्टेक्ट किया यहाँ पे, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को बहुत खुश महसूस हो रहा है, मैं बहुत प्रसन्न चित्त हूँ मन से। अच्छा अच्छा, मेरे काम में भी मन लगने लगा है, पहले मेरे काम में भी मन नहीं लगता, काम में भी दिल नहीं लगता था आपका। देखिए, काम में दिल नहीं लगता था, हिप्नोटाइज हुआ ऐसा लगता था, और बिल्कुल दिनचर्या जो बिगड़ गई थी उनकी, अभी जाते समय इतने खुश है, हम सब लोगों का आशीर्वाद उनके साथ में है। और उनके बाजू में अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो क्या आप बताओगे उनको? मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको भी किसी तरह की कोई समस्या है तो आपको केलकर क्लिनिक एक बार जरूर आना चाहिए, उन्हें सेवा का मौका अवश्य देना चाहिए। हाँ हाँ, मेरा ये भी उम्मीद है कि आप आएंगे तो आपका जीवन में और निखार आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुखमय व्यतीत होगा। बहुत बढ़िया गौरव भैया, आपसे मिलके ये भी करूंगा, ज्यादा देर ना करें, अगर आप किसी सोच विचार में है तो तुरंत अकोला में आइए और डॉक्टर साहब से आके मिलिए, और अपना जो भी परेशानी है उनके साथ शेयर कीजिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बिल्कुल मिलेगा। बहुत अच्छा गौरव भैया, आप आए, आपने बहुत अच्छी मुलाकात दी है, तो ये मुलाकात लेने का यही हमारा मकसद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।